सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं अपनी गाड़ी की ग्रैंड आई10 जो है 2016 मॉडल, इसके बारे में मैं आपको सारे नेगेटिव्स बताऊंगा, 5 नेगेटिव्स बताऊंगा जो मुझे नेगेटिव पर्सनली फील होते हैं इस कार में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। सो ये जो है 2016 मॉडल है एंड ऑलमोस्ट 2016 में जो मैंने परचेस किया था, अराउंड मैंने 660,000 की परचेस करी थी। ये है ग्रैंड आई10 स्पोर्ट्स। एक तो ग्रैंड आई10 स्पोर्ट्स जो है बेसिकली टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पोर्ट्स मॉडल है एंड इसमें 1.2 लीटर का इंजन आता है जो कि जनरेट करता है 81 bhp एंड 130 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो अच्छा खासा टॉर्क जनरेट कर देता है एंड इवन 81 bhp भी काफ़ी है। सो अभी जो आ रही है ये डिसकंटिन्यू हो चुका है मॉडल एंड अब जो आ रहा है ग्रैंड आई10 नियोस का मॉडल आ रहा है। तो अगर मैं ग्रैंड आई10 के बारे में बात करूँ तो इसमें सबसे पहले जो मुझे नेगेटिव चीज़ जो लगती है, जो इसके राइवल से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो इसमें स्विफ्ट में बेलिनो में अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। तो अगर मैं फ्रंट सेक्शन के बारे में बात करूँ तो फ्रंट में आपको इसमें ठीक ठाक स्पेस मिल जाती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन बैक में अगर देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी फ्रंट सीट जो है जो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुकी है, हो रखी है मेरे अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं तो पीछे आपको बहुत कम स्पेस मिल जाती है। लेग स्पेस आप देख सकते हैं, बूट स्पेस कितनी ज़्यादा कम मिल जाती है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लगता है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर रखी है तो मेरी हाइट है 5'11", तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कम स्पेस बचता है। वहाँ फिर भी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे तो पीछे बैठ रहे उसकी पर्सन की लेग स्पेस ही नहीं बनता। तो ये मुझे फर्स्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका डीमेरिट लगता है, मतलब मुझे नेगेटिव लगता है फर्स्ट। तो अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट के बारे में जो कि मुझे नेगेटिव लगता है। तो सेकंड है इसका माइलेज। बेसिकली अभी 4 साल हो गए इस गाड़ी को एंड मुझे लगा था कि यार फर्स्ट ईयर में 5 to 6 months इसकी एवरेज निकलने में, फर्स्ट सर्विस के बाद टाइम लगेगा कि एवरेज इतनी आएगी, अच्छी एवरेज निकलने में टाइम लगेगा। बिकॉज कंपनी कहती है कि अभी इंजन जो है रवा नहीं हुआ है तो उसको टाइम लगता है। तो अगर मैं इसकी माइलेज के बारे में बात करूं तो उन्होंने, कंपनी ने जो क्लेम कर रखी है ऑलमोस्ट सिटी में माइलेज कर रखी है उन्होंने 15 एंड हाईवे पर कर रखी है 17 to 18। अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो इतनी माइलेज आपको शो होती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे अभी तक माइलेज में सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली है। इसके माइलेज मुझे अगर मैं आपको MID पे भी शो करूं यहाँ पे तो माइलेज ट्रिप शो हो रही है। तो अगर मैं सारे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं स्पोर्ट्स मॉडल में, तो अगर अभी मैं माइलेज आपको नील शो हो रहा होगा बिकॉज गाड़ी अभी खड़ी हुई थी बहुत टाइम से, तो अभी मैंने ज़्यादा ड्राइव नहीं करी इसलिए नील शो हो रहा होगा। बट यहाँ पे आपको 8 की एवरेज नॉर्मली दिखती है जो कि बहुत ज़्यादा कम है यार इस गाड़ी के अकॉर्डिंग। अगर मैंने देखी भी है ना गाड़ी की तो मैक्सिमम मुझे 10 की मिली है इस गाड़ी में एवरेज, तो 8 to 10 के बीच में मुझे इजिली मिल जाती है। बट अगर कॉम्पैक्ट हैचबैक के अकॉर्डिंग देखी जाए तो काफ़ी कम माइलेज है इस कार के अकॉर्डिंग। सो इसके कंपैरिजन की अगर बात करी जाए स्विफ्ट की, जो कि इजिली आ जाती है आपकी लो मॉडल 5,60,000 ऑन रोड में, एंड ये जो मुझे पड़ी थी 6,60,000 की पड़ी थी, ऑलमोस्ट 6,60,000 to 70,000 आफ्टर डिस्काउंट जो मुझे पड़ी थी 2016 में। तो अगर मैं बात करूं इसके माइलेज के बारे में तो माइलेज मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया बिकॉज इसके राइवल्स में अच्छी खासी माइलेज निकल आती है जो कि अराउंड 16 to 17 km/h की माइलेज निकल आती है, बट इसने मुझे अभी तक 10 to 8 के बीच में माइलेज दी है। सो अब बात करते हैं इसकी थर्ड नेगेटिव चीज़ जो कि मुझे लगती है, वो है इसके टायर्स। जो मुझे कंपनी से टायर्स आए थे वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे अच्छे लगे थे, गुडियर के टायर थे, तो मैंने बाहर से लगवाए हैं ये, तो मतलब चेंज करा रखे मैंने चारों टायर, क्योंकि मुझे यार काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया उन टायर्स ने भी, मतलब 20-21 हज़ार में ही घिस गए थे पूरे टायर्स। तो मैंने बाहर से डलवाए थे MRF के। तो मैंने इसमें सेक्शन जो डलवाया था आपको दिख रहा होगा 165/70 R14 जो कि 14 inches का तो अलॉय आते ही है। 165 इसमें तो प्रोफाइल डलवाई थी मैंने, एक अप करवाया था जो कि मुझे अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंड जो कंपनी फिटेड जो स्टॉक टायर्स आए थे मुझे बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी उन्होंने, एंड मुझे बहुत बेकार लगे थे इसके टायर्स जो कंपनी से आते हैं। तो बाकी तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है टायर्स में, बाकी इनका भी मैं एक रिव्यू बना के आपको बताऊँगा कि कैसे अब जो मैंने डलवाए हैं बाहर से टायर्स MRF के डलवाए हैं ZLX
हर गाड़ी के अकॉर्डिंग जो कंपनी से गाड़ियाँ आती है, हर गाड़ी के अकॉर्डिंग आपको टायर्स अलग अलग कंपनीज के मिलते हैं, तो मुझे गुडियर के मिले थे। बाकी यार एक टायर के बारे में बात कर ही रहे तो एक टिप दे देता हूँ मैं आपको टायर के बारे में। सो अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो अपनी गाड़ी को ना यार एक जगह मत रखो, जैसे बहुत टाइम के लिए एक ही जगह गाड़ी खड़ी रहती है तो आपने देखा होगा कि बहुत सी गाड़ियों के बबल आ जाते हैं साइड में, साइड प्रोफाइल जो होती है वहाँ पे बबल आ जाते हैं, तो वो खड़ी रहने से होता है या मैन्युफैक्चर डिफेक्ट से होता है। सो बहुत सारे रीजंस होते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं है उसका। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी गाड़ी जो है वो थोड़ा सा मूव कर ले, विद इन अ वीक आप अपनी गाड़ी मूव कर ले, ताकि जो है साइड पे प्रेशर ना पड़े, क्योंकि अगर गाड़ी इसी पोर्शन पे टिकी हुई है एक महीना, इसी पोर्शन पे वेट है तो इस पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एंड जो टायर की चांसेस है ख़राब होने के वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि गाड़ी को हल्का सा मूव करते जाएं आगे पीछे और स्टार्ट भी रखें, ताकि आपकी बैटरी डाउन ना हो गाड़ी की लॉकडाउन में। तो अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट के बारे में, जो कि फोर्थ इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, जो कि है बैक गियर की प्रॉब्लम। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बैक गियर। जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो मुझे अराउंड एक साल तक ये दिक्कत आई थी। तो जैसे मैं बैक गियर डालता था, अब तो जैसे इजली डल रहा है तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, अब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब मैंने ये गाड़ी ली थी ऑलमोस्ट उसके एक साल तक मुझे ये प्रॉब्लम आई थी। इवन मैंने सर्विस सेंटर में भी दिखाया था कि यार ये बैक गियर में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, बैक गियर ना इसका बार बार अटकता था, मतलब 5-6 बारी करना पड़ता था तब जाके लगता था गियर। तो मैंने इवन सर्विस सेंटर में भी दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि विद इन अ ईयर अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी, आप इसको छिड़वाओ मत। तो मैंने उनकी मान ली, लेकिन 1 ईयर में ईजिली रिजॉल्व हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो ये था फोर्थ पॉइंट जो मुझे इसका नेगेटिव लगा था। मतलब फर्स्ट ईयर तो जब भी मैं गाड़ी स्टार्टिंग में बैक करता था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, तो अब तो ईजिली लग जाता, कोई इशू नहीं आता। तो अभी तक कोई इशू नहीं है, मैंने इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी ना सर्विस, मतलब कुछ छिड़वाया नहीं, अपने आप ही रिजॉल्व होगी। एंड इवन मेरे फ्रेंड से भी मैंने 2-3 बार मैंने पूछा है, मतलब उनके पास भी ग्रैंड आई10 ही है, तो मैंने उनसे भी पूछा यार तुम्हारी गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार उनकी गाड़ी में भी आ रही है, इवन हर एक मॉडल में है, ऐसा नहीं है कि ये खाली इसी गाड़ी में है, तो हर एक मॉडल में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए यार मुझे मतलब पता नहीं होंडा ही कर क्या रही है, उसको रिजॉल्व करनी चाहिए प्रॉब्लम। मैं सर्विस सेंटर गया, मुझे बोला कि यार विद इन अ ईयर आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, मतलब विद इन आप थोड़ी ज़्यादा चलाओ तो रिजॉल्व अपने आप हो जाएगी। तो वो हो भी गई, बट ऐसी प्रॉब्लम तो यार नई गाड़ी में आती है तो अपने आप मतलब डिसअपॉइंट होता ही है बंदा। तो इसलिए होंडा ही को ये रिजॉल्व करना चाहिए। ग्रैंड आई10 नियोस में भी आ रही है, इवन जो नई वाली ग्रैंड आई10 आई है उसमें भी बहुत सारे कस्टमर हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बैक गियर की। सो डॉगी भी आ गया यार, इसको भी लग रहा है गाड़ी अच्छी लगी ये अपना। तो अब करते हैं इसकी फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, डॉगी भी आ चुका है, डॉगी भी इसको भी लगता है गाड़ी अच्छी लग रही है वाइडी। सो फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव पॉइंट जो है इसका, जो मुझे लगता है यार बेसिकली कार से रिलेटेड नहीं है, कार में कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जब मैं होंडा के सर्विस सेंटर जाता हूँ इसकी सर्विस कराने, तो मुझे यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इवन 5-6 आवर्स लग जाते हैं इसकी सर्विस होने में, तो वो थोड़ा डिले रखता है। वो सर्विस सेंटर तो सर्विस सेंटर डिपेंड करता है, मतलब उस पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा रश है। तो यार जब भी मैं गया हूँ मुझे मतलब 6 घंटे से कम तो लगे ही नहीं, और इवन नॉर्मल सी सर्विस भी कराने गया हूँ, नॉर्मल सी सर्विस में भी मुझे 6 घंटे लगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक बैठे बैठे ना इरिटेट हो जाता है। तो इसलिए यार इनको ये चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको थोड़ा अपना सर्विस सेंटर पे इम्प्रूव करना चाहिए कि कस्टमर को ज़्यादा देर बैठना ना पड़े। सो वो एक मुझे चीज़ लगती है। बाकी तो गाड़ी यार नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, मुझे अभी तक कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है, बट इवन बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है गाड़ी की, कोई ऐसा इशू नहीं है। वो आगे मैं आपके साथ एक जो मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था वो मैं शेयर करूँगा ज़रूर। अगर आपको ये गाड़ी लेनी हो तो आपको सेकंड हैंड ही मिलेगी एंड फर्स्ट हैंड नहीं मिलेगी, बिकॉज ये कार जो है डिसकंटिन्यू हो चुकी है। एंड जो अब आ रही है वो आ रही है ग्रैंड आई10 नियोस। एलिगेंट शेप कर दी गई है उसकी लाइट्स की, टेल लाइट्स की एंड इवन हेडलाइट्स की, प्रोजेक्टर दे दिए गए हैं टॉप मॉडल में। बट मुझे पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो यार मुझे ये वाली गाड़ी ज़्यादा बेटर लगती है, ऐसा नहीं है कि मेरी है, बट आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है, अगर इसको कंपेयर करें या फिर ग्रैंड आई10 नियोस जो नई वाली आई है वो। सो
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।